और मोदी जी पूरे इंडिया का दिल। बच्चे करोगे, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ेगी नहीं तो क्या घटेगी। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राहुल जहाँ जाए वो जहाँ है उधर ही रहे, हमको उससे क्या मतलब। हमें मोदी चाहिए। मेरे को बोला ना मोदी क्या किया तो मेरे को बहुत गुस्सा है। मोदी बहुत कुछ किया है, हजार हजार रुपए गैस का बढ़ा के अभी लकड़ी ढूंढ के खाना बना के खा रहा है। खा रही है तो तू अपने घर पे लाके खा रही है ना, दूसरे को तो पका के नहीं दे रही है। मोती चाहिए, मोती मोती सबको दस दस हजार रुपए दिया, गरीब लोग को दिया, इनको तो नहीं दिया, पता नहीं हम लोग को मिला दिया। कब मिला मोती ने 10,000 रुपए, इसको कब दिया पता नहीं चला। नहीं हमको बताया, नहीं नहीं बताया, अकेले ले लिया। अकेले ले, देखो अकेली करके खाती, वो नहीं मुझे को पता है। मेरे बगल में रहती इतना इधर से नजर, इनको 10,000 रुपए मिला, फिर विधवा भाई को देना मांगता है ना। जब हम बाहर जाते हैं तो उसके वजह से हमको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। राम को एक घर तक नहीं हम दे पाए थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया। आई एम नॉट बायस टुवर्ड एनी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री प्रोग्रेशन करे मैं उसी को वोट दूंगा। दिखाता नहीं है, उसको भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान है। सरकार है तो क्या हुआ, उसके पास भी दिल है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी, बट मोदी जी आने चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगली सरकार सिर्फ मोदी ही सरकार। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। पनवेल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा आए हैं, उनका दरबार आज सजा है। दिव्य दरबार की झलक पाने के लिए, अपनी अर्जी लगवाने के लिए लोग जगह जगह से आए हैं। और इसी बीच में मोदी प्रशंसक और कांग्रेस के प्रशंसक आपस में भिड़ पड़े। आइए सुनते हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। क्योंकि वो लोग बोलता है मोदी ने क्या किया, तो मैंने बोला 500 साल के बाद जो मोदी ने राम मंदिर बनाया, क्या उसको क्या आप लोग ने बनाया, मैंने बोला उनको। वो लोग बोलता है कुछ अच्छा नहीं किया, क्या नहीं किया मोदी, इसके लिए मैं झगड़ रही थी उनके साथ। क्योंकि उसने बहुत कुछ किया लेकिन दिखा के नहीं देता है। कांग्रेस ने आया कर्नाटक में, क्या किया, लेडीज़ लोग को बस फ्री किया, उधर लेडीज़ लोग झगड़ के मरते हैं। मैं 2 साल से गाँव ही नहीं गई और कांग्रेस ने बस फ्री किया। मैं गोवा में रहती हूँ, कर्नाटक से ही आई हूँ इधर, क्योंकि भगवान का दर्शन करने का था, इसके लिए गुरु जी से मिलने का, इसके लिए। वो लोग मेरे को ऐसा बोला था, इसके लिए मैं उनके साथ झगड़ रही थी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा तो चलाई थी। चलाई थी तो क्या हुआ, मोदी ने भी बहुत कुछ किया है ना। मोदी आए थे आप क्या, राहुल गांधी तो आए थे हमारे यहाँ, आए थे मोदी हमारे यहाँ कर्नाटक में, आए थे कर्नाटक में आए थे मोदी जी, हमारे गांव की तरफ आए थे। उसने भी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, बहुत कुछ बढ़ रहा है ना। अभी बच्चे तो इतना सारा बच्चे होंगे, इतना सारा पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। इतना बच्चे करोगे, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ेगी नहीं तो क्या घटेगी, महंगाई तो सभी बढ़ेगी ना। पक्की मोदी समर्थक है? हाँ जी जरूर, इस बार तो मोदी को ही वोट, और हम चाहेंगे कि मोदी ही आए। हमको कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मोदी, राहुल कहाँ जाएंगे? राहुल जहाँ जाए वो जहाँ है उधर ही रहे। हमको उससे क्या मतलब, हमें मोदी चाहिए बस, नहीं उसको, हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। हमने उसको कभी चाहा ही नहीं कि वो सरकार बने। क्यों चाहती है मोदी को, क्यों चाहती है मतलब, उसके वजह से हमको बहुत सारा इज्जत मिला है। जब हम बाहर जाते हैं तो उसके वजह से हमको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले जब मोदी नहीं था 2014 से उसके पहले, तो हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं देते थे बाहर के लोग, जहाँ भी हम जाते थे इंडिया से, मतलब ना खुद को शर्म आता था बोलने के लिए, और हिंदू बनने के लिए भी आजकल शर्म आता था। कुछ लोगों को अभी भी शर्म आता है, क्यों शर्माने का, जब हमें है तो है, भगवान ने हमको बनाया है, तो गर्व से कहो कि हम हिंदू है, उसमें क्या बात है। और ये बात नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं, मोदी आना चाहिए इस बार, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर वो जो कांग्रेस के बारे में आप लोग बोल रहे हो, अगर वो आएगा तो देश को नहीं छोड़ेगा। वो लोग जो जो मोदी के बारे में जो बोलते हैं ना, मोदी देश बेच रहा है, बेचने का काम खुद कर रहा है, सोचता है कि कहीं हमारा नाम ना ले ले, इसके पहले मोदी का नाम ले रहा है, काम खुद कर रहा है, नाम दूसरे का ले रहा है, तो इसके लिए मोदी आना चाहिए। तो उनको क्रेडिट नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, नहीं हम देंगे ही नहीं, उसको देंगे ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि मोदी आए। राम मंदिर बन गया है? हाँ जी बन गया है, 22 तारीख को जाने का भी है, इच्छा तो है जाने का, हम चाहते भी है जाने के लिए, बहुत खुश है। 500 साल के बाद राम मंदिर बना, क्या अच्छा नहीं हुआ? कौन बनाया, क्या कांग्रेस वाले ने आके बनाया, क्या दूसरा कोई भी आके बनाया? बनाएंगी राम मंदिर? हाँ जी जाऊंगी मैं जरूर, अभी इधर आई हूँ मैं, कर्नाटक से इधर आई हूँ, तो राम मंदिर जाऊंगी मैं, बहुत सारी खुशी बता ही नहीं सकते। हाँ तो निकाल रही, हाँ जी, क्योंकि वो लोग मेरे को बोला ना मोदी क्या किया तो मेरे को बहुत गुस्सा है। मोदी बहुत कुछ किया है, दिखाता नहीं है, उसको भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान है।
जब हमको तकलीफ होती है तो हम लोग रो के दिखाता है। सरकार है तो क्या हुआ, उसके पास भी दिल है, वो भी इंसान, वो दिखाता नहीं है क्योंकि वो अपने आप को ये नहीं करना चाहता है। जैसा बाकी का लोग बोलते हैं हमने ये किया वो किया, ऐसा वो नहीं करना चाहता है। हम लोग इधर मिलने आए और उधर भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब लोग के क्या किया, उन्होंने कहा हजार हजार रुपए गैस का बढ़ा के अभी लकड़ी ढूंढ के खाना बना के खा रहे हम लोग, गैस किधर से भरने का। तो आप राहुल गांधी को जिताएंगी, मोदी ने दिया तो है, मोदी क्या है मैडम, हजार रुपए का गैस दिया, अभी दो दिन गैस खा रहा सो लकड़ी लाके खाना बना के खाए में, राशन दिया है, राशन दिया वही बना के खा रही है। तो अपने घर पे लाके खा रही है ना, दूसरे को तो पका के नहीं दे रही है। गैस सबको फ्री है। और इसका बेटा एक अपंग है, मालूम है बेटा अपंग है, आदमी गुजर गया, मेरा भी आदमी गुजर गया, मेरा भी एक बेटा गुजर गया है। कैसे दिन निकलते है, टोकरी लेके इधर गार्डन में काम करते है। किसका साथ, मैं अंबरनाथ से आई हूँ, अंबरनाथ से आई हूँ, पुणे भी गई थी, धाम भी गई थी, अंबरनाथ गई थी, अभी इधर आई हूँ, चार बार है मेरा। हमारे पास नहीं, अगर आपके बच्चा नहीं तो क्या मोदी आए, मोदी ने किया बोल रही मैं, मोदी का तो हम अकेले है, इसने करना मांगता है ना, कुछ तो करना मांगता है ना, अकेले है हम, अकेले कमा के। उसको मौका दो, वो बहुत कुछ करेगा, जब तक वो है वो बहुत कुछ किया भी है और करेगा भी है। क्या किया, हम कितनी बार जा चुके अंबरनाथ तहसीलदार में, कितनी बार जा चुके, फोटो दिया, कॉपी दिया, सब कुछ, लेकिन आप इस तरह की विधवा भाई के लिए कुछ नहीं किए। लड़का एक पाव चलता है, उसका एक पाव नहीं, अपंग है, घर पे बैठा, कितना नगर पालक में जाएगा तो हकल दे रहा, नहीं बता इसको कुछ होएगा नहीं, फिर क्या करे सर, कर रहे कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करेगा। आप सही इंसान के पास जाओगे तो सब कुछ सही होगा। अभी हमको क्या, कौन सही है कौन बुरा है, इसके लिए हम लोग बाबा के ऊपर भरोसा रखा है, दिलेंद्र शास्त्री के ऊपर भरोसा रखा है, बस उसको हमका भरोसा है, वही हमारा भगवान है, वही देव है हमारा, बस सब सरकार वही है हमारा, बस उसके ऊपर हमारा भरोसा है, वो हम जो बोलेंगे वो करेंगे, बस हमको उसके उसके ऊपर ना इतना जान है ना हमारा, क्या पूछो मत, उसके सिवा पूजे के बगैर हम लोग खाना नहीं खाते। नौकरी नहीं मिल रहा है मेरा लड़का के लिए, मैं इधर आया इतना धूप से इधर आया मैं मरने के लिए, सवेरे मेरा लड़का लाके छोड़ा और ड्यूटी पे भाग गया, ऐसे काम करते मेरे लड़के बाहर, तो इसलिए मैं भगवान के लिए इसको मानती हूं। हम लोग उसको धीरेन्द्र शास्त्री का हम लोग को दर्शन मिले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इतना हम लोग उसको इतना दिल से मान रहे है ना, हमारे दिल में बैठ गया। हम मच्छी मटन नहीं खाते, लहसुन प्याज छोड़ दिया है उनके लिए, रात दिन उनकी पूजा करते रहती है, बस हमको यही चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। अच्छी बात है, जब हम किसी का देखो जैसी हमको भगवान ने जन्म दिया, उससे मतलब जैसा हमको भगवान ने जन्म दिया वैसा मच्छी या जो भी जानवर है उनको मार के खाने से हमको क्या मिलता है। हम बोलते हैं हम सही रहेंगे या अच्छे रहेंगे, उनसे हमें फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है किसी को मार के खा के। अच्छी बात है, अगर आप नहीं खाते हो तो हम भी नहीं खाते, अच्छी बात है। मिल गए आप लोगों का मत एक हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, हम लोग का झगड़ा भी लगा कुछ नहीं था, लेकिन इतना है हम लोग को दुख है कि हम लोग विधवा है, आदमी मर गए हैं, बेटा मोती चाहिए, मोती मोती सबको 10,000 रुपए दिया, गरीब लोग को दिया, आपको दिया, इनको तो नहीं दिया पता नहीं, हम लोग को मिला, 2,000 भी मिलता है, महीने मिला, ये मेरे बगल में दिया, कब मिला मोती ने 10,000 रुपए, इसको कब दिया, हम विधवा होके बेटा गुजर के हमको नहीं मिला, फिर इसको कब मिला, आपको पता नहीं चला, नहीं हमको बताया, नहीं नहीं बताया, अकेले ले लिया, अकेले ले लिया, देखो ना पता ही नहीं चला, मेहनत करके किस किस को दिया मोती ने, ये तो धंधा के लिए, तो फिर विधवा भाई के लिए भी देना मांगता है, बेटा गुजर गया है, पति गुजर गया है, अकेली करके खाती हूँ, वो नहीं मोती को पता है, सबको गांव में तो रहते है, मेरे बगल में रहती है, इतना इधर से नजर, इनको 10,000 रुपए मिला, फिर विधवा भाई को देना मांगता है ना 10,000 रुपया, मेरा बेटा गुजर 2017 में मेरा बेटा गुजर गया है, इसके लिए भगवान के ऊपर शारदा रखे हम लोग, भगवान के ऊपर शारदा, इसके लिए उसके ऊपर दो करेगा ना हमारा, बस सन्यासी बाबा करेंगे, बस मेहनत कर रहे, मेहनत करके खाते हो, किसी का नहीं खाते हो, पूरा दिन दुख में काम करके खाते हो, हमारा रोज का 200 रुपए हाजिरी है, वो कट करके हम इधर भाग गया, आज काम पे नहीं गए हम लोग, करेगा बागेश्वर बाबा करेगा, हम लोग भाई वही सोच के आया, अंबरनाथ से आए हम लोग, हमारे भगवान राम को एक घर तक नहीं हम दे पाए थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया, और आज ये जो 22 तारीख को हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ अस शुड बी प्राउड ऑफ इट।
लोग कहते हैं कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती मोदी सरकार, सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व का राग लापती है, क्या लगता है? ये सब गलत है। मोदी जी ने इतनी प्रोग्रेस की है तो उस प्रोग्रेस के लिए उनको मैन पावर तो लगी होगी ना, और मैन पावर लगी कैसे, जब लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है तभी तो मैन पावर प्रोड्यूस हुई है। तो बिना मैन पावर का कभी कोई कुछ कर सकता है क्या? और किया है तभी तो लोगों को सर्विस भी मिली है, जॉब भी मिला है, तभी सब हुआ है। बिना लोगों को जॉब देने कोई आएगा मुफ्त में काम करने, और तभी तो प्रोग्रेस होगी ना। और एक बात है कि बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दी, आपको ना दोनों पहलू से देखना चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई हायर पोजीशन है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो वैसे भी आपको नहीं मिलेगा, आपको उतना काबिल बनना चाहिए तभी आपको मिलेगा। पहली थी इंडिया, अभी चाइना पर उंगली उठाने से पहले चार उंगली हमारी तरफ। एग्जैक्टली अभी चाइना को पॉपुलेशन में इंडिया ने डिफीट कर दिया है। अभी वैसे भी आई थिंक सो दो बार बीजेपी इलेक्ट हुई है, जितना इमेंसली इन्होंने काम किया है फ्रॉम ओवरऑल द प्रोस्पेक्ट, सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है, उन्होंने ओवरऑल इंडिया को भी बहुत डेवलप किया। आप भी जानते हैं, आप भी हो तो मतलब आई एम नॉट बायस टूवर्ड एनी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री प्रोग्रेशन करी मैं उसी को वोट दूंगा। एक सिटीजन के हिसाब से, अभी आप इतनी पॉपुलेशन इंडिया की है, सबको थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेंचर्स भी निकाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए। मोदी जी की आई होप सो, लाइक डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी, बट मोदी जी आने चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगली सरकार सिर्फ मोदी ही सरकार, आई एम फॉन्ड ऑफ मोदी जी, और मोदी जी पूरे इंडिया का दिल है, सब मोदी जी के लिए जान निछावर कर देंगे, और मोदी जी ही आएंगे, और सभी ने बीजेपी को ही वोट देना है, और अगला पंत प्रधान मोदी जी ही होने चाहिए।